चित्त की वृत्तियों का बिखर जाना ही मनुष्य की अशांति का कारण है और इनका एकाग्र होना शांति का कारण है। यही पतंजलि का योग सूत्र है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। मनुष्य का मन क्या है? कॉम्बिशन ऑफ इंप्रेशन एंड सजेशंस, अर्थात मनुष्य के मन पर पढ़ने सुनने वह देखने से तरह तरह के संस्कार पनते रहते हैं जिन्हें वह ग्रहण करता रहता है और फिर वही संस्कार विचार के रूप में उठते रहते हैं। मनुष्य का मन महाचंचल है, वह दिन भर तरह तरह की मन से उठने वाले विचारों से खेलता रहता है और उनसे सुखी दुखी होता रहता है। जिनका जीवन विश्व विकार का रहा है और जो समय से पहले शारीरिक व मानसिक ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं, उनका मन चंचल रहता है और शांति उससे कोसों दूर चली जाती है। अतः मन को वश में करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। मेरे पास बहुत से साधक आते हैं जो मन से दुखी रहते हैं और मन को वश में करने के तरीके पूछते हैं। हालांकि मुझे इस मन से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं लोगों के मन की हालत को जानता हूं। यदि मनुष्य इस मन से ऊपर उठ जाए तो उसे कोई परेशानी है ही नहीं। संसार के अधिकतर लोग इस मन के चक्कर से परेशान है। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस मन की तरंग में बह गए। जब तक मनुष्य इस मन की तरंग वह भावों में बहता रहेगा, वह शांत नहीं हो सकेगा। अतः मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। आम लोगों के लिए इस मन को वश में करने का सुगम तरीका है सुबह शाम नाम, दिन भर काम और रात को आराम। मुख्य बात इस मन को कहीं ना कहीं लगाए रखने की है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर है। अगर मन को हर समय व्यस्त रखने की आदत डाल ली जाए तो वह व्यर्थ के संकल्प विकल्प उठाने से बच जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक कहानी है कि एक सेठ ने किसी से एक जिन खरीदा। उसे जिन के लिए शर्त यह थी कि उसे दिन भर किसी न किसी काम में लगाए रखो, अगर खाली छोड़ तो वह उसे खा जाएगा। सेठ बड़ा व्यापारी था। उसने सोचा वह जिन को भाव वगैरह पता लगाने के काम में लगाए रखेगा। सेठ जिन को दूसरे शहरों के भाव पता करने को कहता तो जिन तुरंत जाकर भाव पता करके सेठ को बता देता। इस तरह सेठ उसे किसी न किसी काम में लगाए रखना और जिन तुरंत उसे काम को कर देता। अब सेठ को चिंता होने लगी कि काम न बताने पर वह जिन उसे खा जाएगा, क्योंकि यह जिन तो काम बताने पर तुरंत उस काम को कर देता। अब सेठ को चिंता होने लगी कि काम न बताने पर यह जिन उसे खा जाएगा, क्योंकि यह जिन तो काम बताने पर तुरंत उसे काम को कर देता है। अब जब सेठ को जिन से बचने की चिंता होने लगी तो वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। गुरुजी ने बताया कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास काम ना हो तो आप ऐसा करो कि अपनी दुकान के आगे एक बांस गाड़ दो और उसे जिन से कहो कि वह बांस पर चढ़े और उतरे और यह काम कभी खत्म ना होगा। सेठ ने इस उपाय को सुनकर सुख की सांस ली। तो यह जिन कौन है? यह जिन मनुष्य का अपना मन है, इसे काम में लगाए रखो, फिर तो यह ठीक है, नहीं तो यह मनुष्य का दुश्मन बन जाता है। अगर कोई काम ना हो तो इसी सुमिरन ध्यान में लगाए रखो, इससे मन एकाग्र हो जाता है और मन की एकाग्रता से ध्यान जल्दी बन जाता है। यह सुमिरन ध्यान क्या है? गुरु के बताए हुए नाम को या ईश्वर के किसी भी एक नाम को जो आपको प्यारा लगे उसे बार बार याद करना ही सुमिरन है और अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना ही ध्यान है। ध्यान करने से इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, जिससे मन आसानी से वश में आ जाता है। जब गुरु के ज्ञान से यह बात समझ में आ जाए कि यह जितने भी संकल्प विकल्प उठाते हैं, स्वप्न में जो दृश्य दिखते हैं या ध्यान में जो नजारे या गुरु स्वरूप दिखाई देता है, वह सब मन का खेल है, यह सब भासते हैं, सत्य नहीं है, तो मनुष्य मन की स्थिति से ऊपर चला जाता है और उस मन से कोई परेशानी नहीं होती। मैं इसमें इसका प्रमाण हूं। मैं 80-90% मन की स्थिति से ऊपर उस तत्व की धार से जुड़ा रहता हूं। अगर कभी नीचे आता भी हूं तो तुरंत संभल जाता हूं। अतः मन को शांत रखने के लिए आवश्यक है कि हर समय अपने आप को व्यस्त रखना और मन से उठने वाले विचारों को सत्य न मानना, क्योंकि मन से उठने वाले विचार व तरंग सब पढ़े लिखे सुने हुए संस्कारों की छाप का परिणाम है। यह सत्य नहीं है और जो इस मन को जीत लेता है वही इस संसार में सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकता है।
जैसे कहा है, मन जीते जग जीते। इस संसार में हर मनुष्य दुखी है, केवल वही सुखी है जिसने अपना मन जीत लिया है। मन का सम अवस्था में आना ही सबसे बड़ी शांति है। शारीरिक शांति के लिए तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन, वह परहेज तथा डॉक्टर व वैद्यों के अनुसार बताई गई दवा दारू को लेना है। मन की शांति के लिए मन की एकाग्रता वह समता आवश्यक है। अब यदि कोई आत्मिक शांति, परम शांति या सदा रहने वाली शांति चाहता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि वह योग साधना से अंतर्मुखी होकर अपने अंदर प्रकाश व सार शब्द को प्रकट करें, जो उसका अपना ही रूप है। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।